हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सी अर्चिन में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया फर्टिलाइजेशन, कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ सी अर्चिन में, कैसे स्पर्म एक्टिवेट हुए, फिर उन्होंने एग जेली को क्रॉस किया, देन वाइटेलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, देन उलेमा को क्रॉस किया। सो इफ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सो फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। देन हम पढ़ते हैं सी अर्चिन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ है एंड सी अर्चिन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है। सो सी अर्चिन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रेडियल पैटर्निंग स्टार्ट होती है। रेडियल पैटर्निंग मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में बताया हुआ है कि रेडियल पैटर्निंग क्या होती है। रेडियल पैटर्निंग में फर्स्ट क्लीवेज होलोब्लास्टिक मेरिडियनल क्लीवेज होता है, देन सेकेंड क्लीवेज भी होलोब्लास्टिक मेरिडियनल क्लीवेज होता है, देन थर्ड क्लीवेज इक्विटोरियल क्लीवेज होता है। सो फर्स्ट हमारा मेरिडिनियल हुआ होलोब्लास्टिक, देन सेकेंड मेरिडिनियल हुआ, देन फिर इक्विटोरियल हुआ। तो इससे हमारा कुछ इस टाइप का वो बनता है, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, देन थर्ड क्लीवेज। सो इससे हमारी एक एट साइड स्टेज आ जाती है। अब इस पैटर्निंग को बोलते हैं रेडियल पैटर्निंग। अब जो फोर्थ क्लीवेज होता है वो कैसे होता है? फोर्थ क्लीवेज एनिमल हाफ में एंड वेजिटल हाफ में डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। दिस इज द एनिमल हाफ, दिस इज द वेजिटल हाफ। सो एनिमल हाफ में जो क्लीवेज हो रहा है फोर्थ, तो वो होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, होलोब्लास्टिक है, इक्वल है, सो सिमिलर शेप की सेल्स आती हैं और उसको मीजोमियर सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल्स आएंगे क्लीवेज के बाद उसको हम मीजोमियर सेल्स बोलेंगे एंड वो सिमिलर शेप की होंगी, सिमिलर साइज की होंगी। बट वेजिटल हाफ में इक्विटोरियल अनइक्वल क्लीवेज होता है। यहाँ पे होलोब्लास्टिक इक्वल हो रहा है, वेजिटल हाफ में इक्विटोरियल अनइक्वल क्लीवेज होता है। इसी वजह से कुछ स्मॉल सेल्स आती हैं, कुछ लार्जर सेल्स आती हैं। लार्जर सेल्स को मैक्रोमियर सेल्स बोलते हैं, स्मॉलर सेल्स को माइक्रोमियर सेल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारी थ्री टाइप्स की सेल प्रेजेंट हो गई। यहाँ पे हमारी थ्री टाइप की सेल्स आ गई, माइक्रोमियर, मैक्रोमियर एंड मीजोमियर। मीजोमियर एनिमल हाफ की साइड एंड माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर वेजिटल हाफ की साइड। सो मीजोमियर से एक्टोडर्म बनता है, मैक्रोमियर से एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनते हैं एंड माइक्रोमियर से मीजोडर्म बनता है। ये हमारी इन सेल्स का जो हमारी आई है उन सबका फेट होता है। मीजोमियर से एक्टोडर्म बनता है, मैक्रोमियर से एक्टोमीजो एंड एंडोडर्म बनता है, माइक्रोमियर से मीजोडर्म बनता है। सो जो हमारी माइक्रोमियर सेल्स होती हैं वो ऑटोनोमस बिहेवियर फॉलो करती हैं एंड मैक्रोमियर एंड मीजोमियर सेल्स कंडीशनल बिहेवियर फॉलो करती हैं। ऑटोनोमस बिहेवियर मीन्स सेल किसी पे डिपेंड नहीं है डिवीजन के लिए, किसी भी एक्सटर्नल सेल्स पे, किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं है। कंडीशनल बिहेवियर मीन्स उनके पास एक कंडीशन है, वो डिपेंड है किसी और सेल पे, किसी और एनवायरमेंट पे डिवाइड होने के लिए। ऐसे ही सी एलिगेंस में भी जो डेवलपमेंट होता है वो ऑटोनोमस एंड कंडीशनल दोनों का होता है। कुछ सेल ऑटोनोमस फॉलो करती हैं, कुछ सेल कंडीशन फॉलो करती हैं। सेम सी अर्चिन में, सी अर्चिन में भी माइक्रोमियर सेल्स ऑटोनोमस फॉलो करती हैं, मैक्रोमियर सेल्स एंड मीजोमियर सेल्स कंडीशनल बिहेवियर फॉलो करती हैं। अब ऐसा होता क्यों है, माइक्रोमियर क्यों ऑटोनोमस फॉलो कर रही हैं? क्या होता है, जब जो हमारा एग होता है सी अर्चिन का, उसमें हमारा डीएसएच एंड बीटा कैटेन हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो डीएसएच एंड बीटा कैटेनिन एक्रिमिनेट हो जाते हैं वेजिटल पोल पे। डीएसएच एंड बीटा कैटेनिन एक्रिमिनेट हो जाते हैं वेजिटल पोल पे। जब ये हमारे वेजिटल पोल पे एक्रिमिनेट हो जाते हैं, अब डिवीजन हुआ, डिवीजन में एनिमल पोल में तो कोई रहा ही नहीं बीटा कैटेनिन एंड डीएसएच, और एनिमल पोल से बनती है मीजोमियर सेल्स। तो मीजोमियर के पास बीटा कैटेनिन डीएसएच नहीं है। बट वेजिटल पोल में दो टाइप की सेल्स बनती हैं, माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर। उनमें से माइक्रोमियर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होती है माइक्रोमियर। सो माइक्रोमियर में बीटा कैटेनिन डीएसएच होता है। बीटा कैटेनिन डीएसएच माइक्रोमियर में बहुत ज्यादा होता है। बीटा कैटेनिन एंड डीएसएच उठने की वजह से ये ऑटोनोमस बिहेवियर फॉलो करती है। क्यों? बीटा कैटेनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ओटीएक्स, उसके साथ मिलके पीएमएआर फर्स्ट को एक्टिवेट करता है। पीएमएआर फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी इनहिबिट कर रहा होता है एचईएससी को। पीएमएआर फर्स्ट इनहिबिट कर रहा होता है एचईएससी को, और एचईएससी इनहिबिट करता है
ALX first को, THR को, ETSS को, delta को, ये skeletal forming genes है कुछ, इन सब को HESC already inhibit कर रहा होता है। अब if PMAR first activate हो गया तो वो inhibit कर देगा HESC को, तो HESC इन चारों को inhibit नहीं कर पाएगा और cells में ये skeletal forming genes activate हो जाएंगे and ये skeletal forming genes responsible होते हैं autonomous behavior के लिए। अब क्या हुआ, माइक्रोमीयर में बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हो गया, उसने OTX के साथ मिलके PMAR फर्स्ट को एक्टिवेट किया जिसने HESC को इनहिबिट कर दिया जो कि ऑलरेडी इनहिबिट कर रहा था इन चारों जीन्स को। बट मैक्रोमीयर में एंड मीजोमीयर में बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं था तो PMAR फर्स्ट भी नहीं आया, PMAR फर्स्ट नहीं आया तो वो किसी को इनहिबिट नहीं कर पाया और HESC एक्टिव रहा, HESC एक्टिव रहा तो वो इनहिबिट कर रहा है इन चारों जीन्स को। तो ये चारों जीन्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोमीयर में बट मैक्रोमीयर में एंड मीजोमीयर में ये एब्सेंट होते हैं एंड ये स्केलेटल फॉर्मिंग जीन्स हैं जिसकी वजह से माइक्रोमीयर ऑटोनोमस बिहेवियर फॉलो करती हैं एंड मैक्रोमीयर एंड मीजोमीयर फॉलो करती हैं कंडीशनल बिहेवियर। अब इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं डबल नेगेटिव गेज, डबल नेगेटिव गेज बिकॉज PMAR फर्स्ट ऑलरेडी किसी को इनहिबिट कर रहा था, इसने इसको इनहिबिट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल नेगेटिव गेज। सो ये हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है सीआरचिन का, जिससे CSIR NIGRF में ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।